हाँ बेटा देखो, आप लोगों को नमस्कार। अपना जो टॉपिक चल रहा है तो वो टॉपिक है आप लोगों को बैटरी आपका टॉपिक चल रहा है। और इस बैटरी के अंदर आप लोगों ने अलग अलग मैंने आपको बता दिया था प्राथमिक बैटरी। हाँ बेटा देखो, नमस्ते। आपका चल रहा है टॉपिक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्लास 12th और वीडियो नंबर आपका 93 है। मैंने आपको बताया था बैटरियों के बारे में, प्राथमिक बैटरी, और आपको बताया था मैंने बेटा द्वितीयक बैटरी है। अब आप लोगों का प्राथमिक बैटरी क्या क्या थी वो मैंने आपको बता दी। द्वितीयक बैटरी के अंदर आप लोगों को सीधा संचायक सेल बताया। फिर एक बैटरी और है जिसको बोलोगे आप लोग निकिल कैडमियम। अगली बैटरी कौन सी है? सेकंड नंबर, ये भी एक द्वितीयक बैटरी है, निकिल कैडमियम सेल, निकिल कैडमियम सेल, जिसको NICD सेल के नाम से भी जाना जाता है। सबसे पहला का नंबर वन, इसका उपयोग, पहले क्या लिखेंगे बेटा, इसका उपयोग फोन कॉमा मोबाइल कॉमा पेजर आदि में किया जाता है। ये ध्यान रख लेना कि इसका उपयोग सबसे पहले फ़ोन की जो बैटरियाँ होती है, मोबाइल की जो बैटरियाँ होती है, जो पेजर की जो बैटरियाँ होती है, अपने जो चार्जिंग घरों में करते हैं मोबाइल की बैटरी, ये सबके सबके निकिल कैडमियम सेल की बनी होती है। नंबर वन। नंबर दो, इसमें सीडी का एनोड, इसमें क्या बेटा, सीडी का एनोड तथा एनआईओ टू जाली का कैथोड होता है बेटा। क्या होता है? कैथोड होता है। इसमें वैद्युत अपघट्य के रूप में वैद्युत अपघट्य KOH या फिर NaOH होता है बेटा। ठीक है बेटा, तो ये है आप लोगों का सिस्टम। सबसे पहली बात, उपयोग सबसे पहले कि ध्यान रख लेना कि ये जो सेल है, एक तरह से यह एक, यहाँ क्या लिखोगे, यह एक द्वितीयक सेल है। क्या है बेटा? एक द्वितीयक सेल है, ये ध्यान रख लेना। अब यहाँ पर अपन एनोड पे अभिक्रिया और क्या करोगे बेटा, कैथोड पर। तो आप सेल अभिक्रिया क्या लिखोगे, अगला पॉइंट डालोगे सेल अभिक्रिया। सेल अभिक्रिया में आप लोग एनोड तथा कैथोड पर अभिक्रिया। आपको एक बात बता रखी है मैंने कि बेटा जिसके अंदर ये वैद्युत अपघट्य जो होते हैं ना, इनको सबसे पहले आप लोग क्या करोगे, तोड़ोगे। तो अब मैं इसकी यहाँ पर इसको यहाँ सेल अभिक्रिया, सबसे पहले यहाँ क्या लिख दोगे, वैद्युत अपघट्य, नीचे लिखना इनके नीचे वैद्युत अपघट्य KOH को तोड़ना। कैसे टूटेगा बेटा ये? K++ OH- के रूप में टूटेगा। समझ में आ गई बात? अब नंबर वन, एनोड पर अभिक्रिया। तो एनोड पर अभिक्रिया करोगे CD+2OH-। कैडमियम भाई एनोड को काय का कार्य करेगा, मैंने क्या लिखा, सीडी का एनोड तथा NiO2 जाली का क्या होता है बेटा, इसके अंदर ये कैथोड होता है। अब आप लोग यहाँ पर क्रिया कराओगे, ठीक है बेटा, यहाँ पर आएगा CDO+H2O+2E-। समझ में आ गई बात ये भाई, CD+2OH। अब आपका क्या है बेटा, NiO2 जो जाली है उसका क्या बेटा, आप लोगों के पास कैथोड है नंबर वन। नंबर दो, आप क्या बोलोगे, कैथोड पर अभिक्रिया क्या, NiO2+2H2O+2E-। एरो लगाओ, एरो के बाद क्या लिख दोगे बेटा, यहाँ पर आप लोग एरो की बात करोगे तो NiOH का होल ट्वाइस,
यहाँ से आ गया। अब ओल्ट वाइज आया तो देखो यहाँ से दो तो OH ले लिए, दो OH ले लिए तो आपका ये बच गया, यहाँ दो O बच गए, प्लस आपका क्या आ जाएगा 2OH माइनस, ये इलेक्ट्रॉन्स इसमें काम आने वाले। तो इस प्रकार से आप लोग ये अभिक्रिया बताइए। देखो सबसे पहले निकिल कैडमियम सेल, इसके बिंदु, इसका उपयोग फ़ोन, मोबाइल, पेजर आदि में किया जाता है। दूसरी बात, इसमें कैडमियम का एनोड तथा निकिल ऑक्साइड जाली का कैथोड होता है बेटा, ठीक है। इसमें वैद्युत अपघट्य KOH या NOH रहोगे। यह एक द्वितीयक सेल है, पहली बात सुन लेना। सेल अभिक्रिया एनोड तथा कैथोड पर वैद्युत अपघट्य का सबसे पहले वियोजन कराओगे, K प्लस और OH माइनस, इसको तोड़ दिया। अब एनोड पर, एनोड किसका बना हुआ है, CD का बना हुआ है। अब 2OH माइनस कहाँ से आया, ये वैद्युत अपघट्य यहाँ से आया, फिर इसको CDO और यहाँ से H2O बाहर निकालोगा, प्लस 2E माइनस अर्थात दो इलेक्ट्रॉन्स को आप लोग क्या निकालोगे इसके अंदर, बाहर निकाल देना 2E माइनस, ठीक है बेटा। अब कैथोड पर अभिक्रिया कौन से होने वाली है, अपचयन अर्थ अभिक्रिया। ये इलेक्ट्रॉन्स ये अपचित करेगा तो Ni सीधा दिख रहा है, NiOH का होल ट्वाइस प्लस, यहाँ पर क्या लिख दोगे बेटा, ये वाला सिस्टम इस प्रकार से होगा। एक कंडीशन ये आती है कि बेटा अगला पॉइंट डालो आप लोग इसके अंदर, निकिल कैडमियम सेल के अंदर ही एनोड पर जो अभिक्रिया चल रही है उसको इस प्रकार से भी आप लोग लिख सकते हो, वापस मैं बता रहा हूँ तुमको। एनोड पर अभिक्रिया, एनोड पर अभिक्रिया, एनोड पर अभिक्रिया का तरीका ये भी है, सी डी प्लस OH माइनस, ये दो ले लेना, प्लस एरो के बाद CDOH का होल ट्वाइस प्लस 2E माइनस भी कर सकते हैं। पहले ए नंबर एक, मैंने वापस बोल रहा हूँ इसको उल्टा तरीके से, ऐसे भी कर सकते हैं, कैथोड पर अभिक्रिया, एथोड पर अभिक्रिया होगी वही, कैथोड पर क्या आएगा, NiO2 प्लस 2H2O प्लस 2E माइनस, एरो के बाद NiOH का होल ट्वाइस, NiOH का होल ट्वाइस प्लस 2OH माइनस। अब आप लोग नेट सेल अभिक्रिया बोलो भाई, नेट सेल अभिक्रिया। अब नेट सेल अभिक्रिया में क्या करोगे भाई, दो इलेक्ट्रॉन से दो इलेक्ट्रॉन कट गए हैं, यहाँ से OH कट गया तो आपका क्या आएगा, CD प्लस NiO2, यहाँ का CD बच गया, ये दो OH से दो OH कट रहा, ठीक, दो E से दो E कट गया, और कोई दिक्कत, और नहीं कुछ भी। एरो के बाद क्या लगा दोगा, क्या लगेंगे, इधर एक और बच गया बेटा 2H2 है ना, CDNi प्लस 2H2O, एरो के बाद CDOH का होल ट्वाइस कैडियम हाइड्रोक्साइड प्लस निकिल हाइड्रोक्साइड, निकिल हाइड्रोक्साइड प्लस क्या बच रहा है बेटा, कुछ बच रहा है किधर की तरफ, कुछ भी नहीं है, यहाँ पर क्या लिख दोगे, 2OH माइनस बच रहा है केवल, सॉरी 2H माइनस तो कट गया। यहाँ पर इस प्रकार से आप लोग इसको बनाओगे और ये यौगिक आपका तैयार हो गया, और ये है बेटा एक नेट सेल अभिक्रिया पहला। फिर उसके बाद सबसे पहली बात है कि इस नेट सेल अभिक्रिया में आप लोग दिखाई दे रहा है कुछ ऐसा कोई हानिकारक या कोई गैस नहीं बनती, और इसमें गैस नहीं बनने के कारण इस सेल को सील बंद किया जाता है एकदम। आप जानते हैं मोबाइल की बैटरी होती है एकदम सील बंद होती है, चार्ज कर सकते हो, डिस कर सकते हो, चार्ज कर सकते हो, डिस कर सकते हो। अब ये वाली जो अभिक्रिया है ये चार्जिंग की अभिक्रिया है, ठीक है, सॉरी डिस की निरावेशित अभिक्रिया है। वापस उल्टा लिखोगा तो उसको आवेशित अभिक्रिया के हिसाब से आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है बेटा। तो अगला ये वाला हो गया आप लोगों का बेटा टॉपिक, एनोड पर अभिक्रिया होगी, कैथोड पर अभिक्रिया होगी। दूसरी बात, इसमें क्या लिखोगे नोट करके, सेल में निकिल कैडमियम सेल अभिक्रिया में कोई गैसीय पदार्थ नहीं बनता है, इसीलिए इस सेल को सील बंद किया जा सकता है, लिख देते हैं, ठीक है। तो ये सील बंद क्यों है भाई, हानिकारक कोई पदार्थ बन ही नहीं रहा, तो बेटा एनोड पे अभिक्रिया, कैथोड पे अभिक्रिया, नेट सेल अभिक्रिया। अब नेट सेल अभिक्रिया में ये वो जो अभिक्रिया आप पढ़ रहे हो,
ये लिख रही है, इस अभिक्रिया को क्या बोलोगे? मैं वापस बोल रहा हूँ, इस अभिक्रिया को तो बोलना निरावेशित अभिक्रिया। अब जब वैसे CDOH और ये बनेगा तो वापस जब चार्जिंग शुरू होगी तो CDOH का ऑल्टोइजर NiOH का ऑल्टोइज वापस CD और NiO2 में परिवर्तित हो जाएंगे। अब दूसरी समीकरण अपन क्या लिख सकते हैं भाई, CDOH का ऑल्टोइज प्लस NiOH का ऑल्टोइज, एरो लगाओ, CD प्लस NiO2 प्लस 2H2O। ये जो अभिक्रिया है ये आवेशित समीकरण है। क्या है? आवेशित, आवेश समीकरण। ये क्या कौन सी अभिक्रिया है? निरावेशित समीकरण, अर्थात निरावेशित होता है डिस्चार्जिंग और ये चार्जिंग समीकरण के नाम से जाना जाएगा। तो ये है बेटा आप लोगों का निकल कैडमियम सेल और इसकी अभिक्रियाएं मैंने आप लोगों के सामने लिख दिए। तो मैं समझता हूँ आप लोगों को बेटा ये अच्छी तरह से समझ में आया होगा। फिर अगला जो सेल लेंगे और वो सेल लेंगे बेटा अपन ईंधन सेल, और अपने आप में बेटा इंपॉर्टेंट सेल है। सबसे पहले मैं उसका चित्र बनाऊंगा, फिर वापस सुन लेना, निकल कैडमियम सेल में कोई गैसीय पदार्थ नहीं बनता, इसलिए इस सेल को सील बंद किया जाता है। मोबाइल की बैटरी अच्छी तरह से जानते हो बेटा सील बंद होती है, वो कैसे फूटी टूटी नहीं होती, अर्थात उसमें कोई ऐसा पदार्थ गैसीय बन ही नहीं रहा। क्या बन रहा है? सॉलिड बन रहा है, निकल और कैडमियम हाइड्रोक्साइड बन रहा है। और जैसे आपने सीसा संचायक सेल के अंदर आवेशित और निरावेशित समीकरण देखी थी, इसी में भी निरावेशित और आवेशित समीकरण आप लोग लिखोगा। और निकल कैडमियम सेल की ये नेट सेल अभिक्रियाएं हैं दोनों की, दोनों भी ठीक है। अगला जो टॉपिक होगा वो है हमारा ईंधन सेल के रूप में अपन बात करेंगे बेटा। हाँ बेटा, अब आप लोगों का मैंने आप बता ही रहा था, अगला जो टॉपिक है, अगला जो है उसको आप लोग क्या बोलोगे बेटा? ईंधन सेल के रूप में मैं यहाँ पर आप अगला जो टॉपिक चलाऊंगा और वो होगा बेटा आपका ईंधन सेल। इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ईंधन सेल का नामांकित चित्र, इसकी सेल अभिक्रियाएं आती रहती है, सबसे पहला काम ये। तो आप लोग सबसे पहला हेडिंग डालो क्या? ईंधन सेल। ईंधन का मतलब अपन जानते हो लकड़ी है या कार्बन मोनोऑक्साइड है या हाइड्रोजन है या एथेनॉल है या प्रोपेन है या फिर ब्यूटेन है। इनका दहन, अर्थात इनका जब आप लोग जलाते हो तो एक ऑक्सीकरण क्रिया होती है, और ऑक्सीकरण क्रिया एक रेडॉक्स अभिक्रिया, कहने का मतलब रेडॉक्स अभिक्रिया है, और रेडॉक्स अभिक्रिया का उपयोग आप लोग ईंधन सेल के रूप में करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर लिख देंगे भैया स्टार डाल के नंबर वन, ईंधन, ईंधन के दहन से जो ऊर्जा प्राप्त होती है उसका उपयोग अर्थात हम कह सकते हैं रासायनिक ऊर्जा बेटा ये है, उसका उपयोग विद्युत ऊर्जा बनाने में किया जाता है। ठीक है बेटा, सबसे पहली बात है ईंधन का दहन। हम ये लिख सकते हैं बेटा ईंधन का दहन एक रेडॉक्स अभिक्रिया है। ठीक है बेटा, और रेडॉक्स अभिक्रिया से आप लोग विद्युत ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं, पहली बात ही। दूसरी बात यहाँ पर मेन बात, दूसरी बात यह है ईंधन के रूप में CO का मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड, CH4 का मतलब मैथेन, C3H8 मतलब प्रोपेन, C2H5OH, H2 तथा का उपयोग कर सकते हैं, ये ध्यान रख लेना। दूसरी बात, इस सेल की दक्षता लगभग 75-80% होती है। ठीक है बेटा, पहला काम। नंबर अगला, इस सेल का निर्माण
बेकॉन, बेकॉन नामक वैज्ञानिक ने किया था, बेकॉन ने किया था, किया था, इसीलिए इसीलिए इसे बेकॉन सेल भी कहते हैं। ध्यान रख लेना, नाम क्या इसका, दूसरा नाम क्या हुआ, ईंधन सेल बोलो, ये इसका नाम क्या बोला, बेकॉन सेल, बेकॉन सेल के नाम से, क्योंकि बेकॉन नामक वैज्ञानिक ने इसकी खोज की थी। फिर इसके अंदर क्या है बेटा, ईंधन को लगातार प्रवाहित कर रहे और लगातार प्रवाहित करने पर आप लोगों को लगातार क्या प्राप्त हो सकती है, विद्युत ऊर्जा प्राप्त हो सकती है। तो और बिंदु मैं लिखूंगा, सबसे पहले आप लोग इसका एक सरल सा, एक बढ़िया सा छोटा सा चित्र बनाएंगे। ये चित्र देखो इस प्रकार से है, आपकी किताब में से की सहायता से बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, और वैसे भी बना सकते हो कि देखो सर लोग, यहाँ से ये आप लोगों का जो सेल है ये H2O2 सेल होगा, अर्थात हाइड्रोजन ऑक्सीजन का सेल है। यहाँ इस प्रकार से ये, यहाँ से आप लोग H2 को तो इसमें से गुजारोगे, क्या करोगे, H2 गुजरेगी, यहाँ पर O2 को गुजारोगे और उच्च दाब पर गुजारना है। अब यहाँ पर एक इस प्रकार से ये कार्बन के सैरंध्र इलेक्ट्रोड है, सैरंध्र का मतलब छोटे छोटे छिद्र है, जो मैं थोड़ा सा बड़ा छिद्र बना रहा हूँ इसके अंदर, आप लोगों को दिखाई दे रहा है, गैप सा दिखाई दे रहा है थोड़ा, और इस गैप के हिसाब से आप लोग इसके चित्र को इस प्रकार से बढ़ा सकते हो। ठीक, अब यहाँ पे ये क्या चीज़ है बेटा इसके, ये इलेक्ट्रोड है, ये क्या है इलेक्ट्रोड, ये कार्बन, कार्बन या फिर पीटी के सैरंध्र, सैरंध्र इलेक्ट्रोड, क्या नाम है, सैरंध्र इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड प्लस इसके अंदर Ag, इसके अंदर Cu, इसके अंदर CuO को संसेचित किया गया, संसेचित, संसेचित का मतलब एक तरह से बुरादा टाइप इसके ऊपर डाल दिया गया है। डालने के बाद यहाँ पर जब उच्च दाब पर O2H2 है तो यहाँ एक इस प्रकार से यहाँ जगह छोड़ दो खाली, खाली छोड़ोगे तो यहाँ एक, जब H2 प्लस O2 आपस में क्रिया करते हैं तो क्या बनता है बेटा, एक आप लोग बना दोगे प्लस और एक बना दोगे आप लोग माइनस। ठीक है बेटा, तो ये तो था आप लोगों का बेटा सामान्य रूप से, आप लोग O2 और H2 को उच्च दाब पर यहाँ पर गुजारो, गुजारने के बाद आपको एनोड पर और कैथोड पर कौन कौन सी अभिक्रिया होने वाली है मैं उसके बारे में डिटेल से आपको बताऊंगा। तो सबसे पहला सुन लो, बेकॉन सेल या ईंधन सेल, जिसको H2O2 सेल भी बोला जाएगा, ईंधन के दहन से जो ऊर्जा प्राप्त होती है उसका उपयोग विद्युत ऊर्जा बनाने में किया जाएगा। ईंधन का दहन एक रेडॉक्स अभिक्रिया है, और अपन जानते हैं कि बेटा सेल के अंदर रेडॉक्स अभिक्रिया ही होती है, और रेडॉक्स अभिक्रिया की सहायता से ही आप लोग क्या प्राप्त कर सकते हो, विद्युत ऊर्जा। ईंधन के रूप में क्या ले सकते हो, कार्बन मोनोऑक्साइड, CH4 मतलब मैथेन, प्रोपेन, एथेनॉल, और यहाँ पर हाइड्रोजन का उपयोग कर सकते हैं। सेल, इस सेल की जो दक्षता है लगभग 75-80% होती है, और इस सेल का जो निर्माण है बेकॉन ने किया था, इसीलिए इसे बेकॉन सेल भी कहा जाता है। समझ में आई बात। अब यहाँ पर इस सेल में, हाँ बेटा क्या कर सकते हो बेटा, पॉइंट डालो आप लोग। सबसे पहली बात है, ये चीज़ तो मैंने आपको बताई दी कि इसकी दक्षता क्या है, ईंधन का रूप क्या है, इसके बारे में, सेल का तो चित्र हो गया। अब इसके और बिंदु मैं लिख देता हूँ, और बिंदु का मतलब इस सेल में, इस सेल में ईंधन, ईंधन के रूप में, रूप में H2 तथा H2 तथा O2 लेते हैं, O2 का उपयोग करते हैं पहली बार। फिर इस सेल में कार्बन या PTK सैरंध्र का मतलब छोटे सैरंध्र इलेक्ट्रोड होते हैं, सैरंध्र इलेक्ट्रोड होते हैं, जिनको Ag, Cu या CuO से संसेचित किया गया है, किया गया है
इस सेल में एनोड तथा कैथोड पर निम्न अभिक्रिया होती है बेटा। तो ये बिंदु ये लिखना है आपको यहाँ पर, ईंधन सेल या बैकॉन सेल। आपकी किताब में जो चित्र दिया है इसमें यूं करके नीचे पानी निकाल रखा है, ठीक है बेटा, इसमें ऊपर निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एनसीईआरटी बुक का तो चित्र ये है, आपकी किताब का भी आप लोग चित्र बना सकते हो कि भाई ईंधन सेल में O2 को इधर से जाना, H2 को इधर से देना। ये जो इलेक्ट्रोड दिखाई दे रहे हैं, जो कैथोड और एनोड है, ये सरंध्र इलेक्ट्रॉन है, इसके छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिनमें से ये गैसें आसानी से जाएंगी। जब ये उच्च दाब पर आपस में टकराएंगी तो इलेक्ट्रोड पर ऊर्जा विद्युत ऊर्जा प्राप्त होगी और इसमें पानी, पहले दूसरी बात ये कंडीशन हो गई आप लोगों की पूरी, ठीक है बेटा। अब उसके बाद इसमें एक बिंदु और लिखेंगे, एनोड सेल पर अभिक्रिया तो बाद में लिखेंगे, इसके बाद लिखेंगे यहाँ पर इस सेल का सर्वप्रथम, सुनो, इस सेल का जो उपयोग है सर्वप्रथम अपोलो यान में किया गया था, जो अंतरिक्ष यान होता है अपोलो। अब यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों हल्की गैस हैं, साथ में ये हल्का सेल है, और जब इसके अंदर दोनों आपस में क्रिया करती है तो जल बढ़ता है, क्या बढ़ता है, जल, और जल का उपयोग जो है वो पीने में किया जा सकता है अंतरिक्ष यात्रियों के लिए। इस सेल का उपयोग सर्वप्रथम अपोलो यान क्या है, अंतरिक्ष यान में किया गया। दूसरी बात, इस सेल में कोई ऐसे हानिकारक गैस बाहर नहीं निकलती जिससे प्रदूषण हो, अर्थात दूसरे नंबर बोलेंगे कि यह सेल प्रदूषित रहित है, अर्थात ये प्रदूषण नहीं करता। और इसके अंदर जो जल बन रहा है ये क्या यान में किया गया, इसमें जो जल बना उसका उपयोग अंतरिक्ष यात्रियों को पीने में किया गया। तो बेटा देखो, इसमें सोने पे सुहागा की बात हो गई कि सबसे पहले उस यान के लिए ऊर्जा भी प्राप्त हो गई, प्लस अंतरिक्ष यात्रियों को पीने के लिए जल भी प्राप्त हो गया, प्लस यह सेल किसी भी प्रकार का कोई प्रदूषण नहीं करता, अर्थात प्रदूषित रहित सेल है, अर्थात प्रदूषण नहीं कर सकता, इसलिए ये इम्पॉर्टेंट सेल बनता है। कि अधिकतर सेल प्रदूषण करते हैं, अन्य गैसें इनके अंदर बाहर निकल सकते। तो अब यहाँ पर अपन क्या करेंगे, एनोड तथा कैथोड पर अभिक्रियाओं के बारे में अपन बात करेंगे। तो मैं एनोड तथा कैथोड की अभिक्रिया लिख रहा हूँ यहाँ पे। हाँ बेटा, मैं आपको बता रहा था अभी कि कैथोड और एनोड पर अभिक्रिया, तो आप लोग इस सेल में देखो बेटा, कैथोड तथा एनोड पर अभिक्रिया मैंने लिख दी यहाँ पे, टाइम खराब होता, 2H2+4OH-, तो यहाँ 4H2+4 इलेक्ट्रॉन, तो ये है बेटा एनोड पर अभिक्रिया, जिसको ऑक्सीकरण अभिक्रिया बोलोगे, और कैथोड पर अभिक्रिया O2+2H2O, और O2+2H2O की बात है 4OH-। यदि अपन बात करें इसकी नेट सेल अभिक्रिया की, क्या बात करें बेटा, नेट सेल अभिक्रिया, तो नेट सेल अभिक्रिया में देखो किससे क्या काटोगे, SH4 से ये काटो, और 4OH से 4OH कट गया, क्या कट गया, 2H2+O2, एरो के बाद कितना H2O, कितना बन गया, हाँ यहाँ से क्या निकाल दोगे, ये जल का बढ़ू, तो यहाँ बच गया 2H2O, क्या बन गया। तो ये है बेटा इसकी नेट सेल अभिक्रिया। तो फिर वापस सुन लो, ये इसका ईंधन सेल का नामांकित चित्र है, इस सेल का उपयोग सर्वप्रथम अपोलो यान में किया गया, और H2 और O2 को इसमें उच्च दाब पर प्रवाहित करते, और इस सेल में O2 और H2 को लगातार प्रवाहित करते रहोगे तो आप लोगों को लगातार ऊर्जा भी प्राप्त होती रहेगी, पहला कंडीशन। दूसरी, इसके अंदर H2 और O2 दोनों क्रिया करके जल बनाएंगे, ये जो जल है अंतरिक्ष यात्रियों के पीने के लिए उपयोग में लाया जा सकता है। उसके बाद इसकी नेट सेल अभिक्रिया दक्षता मैंने आपकी बताई दी थी, 75% से लेकर 80% तक की होती है बेटा इसके अंदर। और ये है बेटा आपका ईंधन सेल, और ईंधन सेल का चित्र मैं आपको वापस बोल रहा हूँ, आप अपनी बुक्स की सहायता से बना सकते हैं या ऐसा बना सकते हैं जो आपके सामने दिखाई दे रहा है, सही सा बनाना है इसको यहाँ से,
और ये छोटे छोटे से छिद्र है, इसको कोटेड किए गए और यहाँ पर वैद्युत अपघट्ट के रूप में, सुन लो बेटा, वैद्युत अपघट्ट के रूप में KOH या फिर NaOH डालते हैं बेटा इसके अंदर। क्या है बेटा? वैद्युत अपघट्ट। यहाँ एक लाइन और लिखते हैं ना, वही वैद्युत अपघट्ट है। वैद्युत अपघट्ट के रूप में KOH डालोगे या NaOH डालोगे, का डाल लेना जो डालो, और आप लोगों की रासायनिक अभिक्रिया हो जाएगी। ये OH- कहाँ से आएगा? उस वैद्युत अपघट्ट से आएगा। दक्षता मैंने आपको बताई दी। तो ये है बेटा आपका ईंधन सेल। और इस चैप्टर के अंदर आप लोगों का जो नेक्स्ट टॉपिक होगा, एक बढ़िया टॉपिक है, और वो टॉपिक है बेटा संक्षारण। उसको मैं आप अगले वीडियो में लूँगा। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है बेटा।